नमस्ते एंड यू आर वॉचिंग नीरूज वर्ल्ड। आप सबका स्वागत है मेरी रसोई में। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। सर्दियों का मौसम है, गर्मा गर्म कुछ बेकिंग करेंगे आज हम। आज हम बनाएंगे अपनी किचन में ब्लूबेरी मफिन्स। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे शुगर, इसमें मैंने डाल दिया लेमन जेस्ट, उसको मैं अच्छे से हिला लूंगी। इसमें अब मैं डाल रही हूँ दो एग्स है मेरे पास। अब इसको रख देते हैं और लेते हैं अपना हैंड ब्लेंडर। चलिए अब अंडे और चीनी हमारी अच्छे से हो गई है, मिल गई है। इसमें अब मैं डालूंगी, ये मैंने लिया है हाफ कप ऑयल है मेरे पास, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। चलिए अब इसको भी मिला लेना हमें अच्छे से। चलिए ये भी अच्छे से मिल गया। अब मैं इसमें डालूंगी, ये मेरे पास है बटर मिल्क, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बटर मिल्क यानी कि छाछ, लस्सी कुछ भी जो भी हम बोलें उसको भी मिला लेंगे अच्छे से। चलिए साथ इसमें डाल देंगे हम वनीला एक्सट्रैक्ट है मेरे पास, ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब इसको मिला लेते हैं। चलिए सारा मिल गया, अब इसको दो मिनट रखते हैं साइड पे। यू आर वॉचिंग नीरूज वर्ल्ड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें जल्दी से जल्दी। और हम लेंगे अभी, हमने लिया ऑल पर्पज फ्लावर है मेरे पास, इसमें मैंने डाल दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट और साथ में बेकिंग पाउडर। चलिए अब इसको अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स आपस में। मैंने पहले ऑल पर्पज फ्लावर को छान लिया था ताकि इसमें कोई लम्स या कोई गुठलियां वगैरह कुछ ना रह जाए। अब इसको मैं डालूंगी इसमें। पहले आधा डालती हूँ और इसको मिलाऊंगी। चलिए अब आधा मिल गया है हमारा, अब ये बाकी का भी हम इसमें डाल देंगे सारा जो बचा है। दो बारी में इसलिए डालते हैं कि कोई लम्स ना आ जाए, दूसरा जब हम इसे चलाते हैं तो ये बहुत उड़ता है। ऑल पर्पज फ्लावर आप जो है दो या तीन बारी में ही डालें। ये सारा अच्छे से मिक्स हो गया हमारा, अब हम इसको बंद करेंगे और सारा निकाल लेते हैं। चलिए सारा हमने इसमें से निकाल लिया, इसको हटा देते हैं। अब इसमें डालेंगे ब्लूबेरीज, थोड़ी सी मैं बचा लूंगी ऊपर गार्निशिंग के लिए, बाकी इसमें मिक्स कर देंगे। लेमन जेस्ट इसमें डाला है हमने, उसका बहुत फ्लेवर तो नहीं आएगा लेकिन ब्लूबेरीज के साथ उसका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छी लगती हैं। जब भी ब्लूबेरीज हम डालेंगे, अभी डाली है मैंने जो, अब इसको हमें अच्छे से धीरे धीरे मिलाना है ताकि वो एकदम से, ताकि जो हमारा बैटर है वो टूट ना जाए और बैटर हमारा जो है लाल ना हो जाए। चलिए अब इसको हम रखते हैं साइड पे और हम इसके लिए बनाएंगे बनाने के लिए क्रम्बल। एक बोल ले लिया मैंने, इसमें मैंने डाला है ये ऑल पर्पज फ्लावर, साथ में ये शुगर
और मेल्टिंग बटर, थोड़ा सर्दी का मौसम है, मेरा बटर जमी गया इसके अंदर, मैं इसके ऊपर मेल्ट कर लेती हूँ। बटर मेल्ट हो गया है, अब मैं व्हिस्क में डाल देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देना हमें सब। कप केक के ऊपर ये क्रम्बल का बहुत ही अच्छा मजेदार टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये क्रम्बल ऊपर डाला हुआ ना। चले जी, अब आ गया टाइम मफिन्स का बेक करने का। अब मैं इसमें डालूंगी अपने मफिन्स। देखिए मैंने इनको पहले लाइन कर लिया अच्छे से। अगर आपके पास ऐसे पेपर्स नहीं है ये वाले, तो आप अपनी ट्रे को पहले ग्रीस कर लें। मेरी ट्रे बड़ी पुरानी है, पता नहीं कितने सालों से मैं इसको यूज करती आ रही हूँ, मुझे नहीं लेनी है। चले अब देखिए इसमें हम डालेंगे इसको, एक एक चम्मच डालना है अपने, ऐसे निकालते जाएंगे। ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा ओवर फ्री नहीं करना है हमने, ताकि ये इनको राइस होने का ऊपर मौका मिले, नहीं तो ये बाहर आ जाएंगे। चले अब हमारे ये भर गए हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं मफिन्स हमारे, बहुत ही कलरफुल से ब्यूटीफुल, जब खाते हैं तो बस पूछो बहुत, सर्दियों में खाने में कितना मजा आता है। अब जो हमने क्रम्बल बनाया है थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल देते हैं, इसे बहुत ही अच्छी लुक आती है। बस सर्दियों के दिन हो, सुबह सुबह आप उठें और घर में खुशबू आ रही हो, मफिन बेक हो रहे हो, उसका तो मजा ही कुछ और है ना। अभी बनाएंगे ना, वैसे आपके घर में जो लेट उठते हैं सब जल्दी उठ जाएंगे कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है बेकिंग की। बस अब मैं इसको बेक करूंगी, तो बस अब ये देखिए कि मेरा पूरा घर महक जाएगा इतनी खुशबू से। चलिए मैं इसको लगा के आती हूँ अपने ओवन में और फिर मिलती हूँ आपको, दिखाऊंगी कैसे बन के आ रहे हैं बाहर। ओ माय गॉड, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ, कितने अच्छे लग रहे क्रम्बली फ्रूटी जूसी से मेरे मफिन्स। मेरे से वेट नहीं हो रही कि फटाफट मैं खा लूँ, लेकिन क्या करूँ अभी इनको ना थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा, ऐसे खा ही नहीं सकते इनको, नहीं तो सब टूट जाएंगे। जब तक ये ठंडे होंगे मैं बाकी के जो बच गए ना वो भी लगा के सारे फटाफट बनाती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी सारे बन के कैसे। ओह माय गॉड, मेरा लास्ट वाला लॉट भी निकल के आ गया है मफिन्स का, मेरा प्लेटर भी तैयार हो रहा है मफिन्स का। आपको पता है जब मैं कुछ बेक करती हूँ ना, मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा आप बिल्कुल बेबी बन जाते हो। मैं जब भी कुछ ब्रेड्स मफिन्स या केक बेक करती हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है जब वो निकल के बाहर आते हैं, उनको देख के उनका कलर, उनका उसकी खुशबू, बस मुझे तो मदहोश कर देती है वो। अब मैं आपको खा के बताऊंगी, आप पहले बताओ मेरा प्लेटर कैसा लग रहा है। अब मैं खा के दिखाती हूँ आपको कि ये बने कैसे हैं मेरे ब्लूबेरी मफिन्स। हाँ 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 हाँ, ओ माय गॉड, ब्लूबेरीज इतनी जूसी अच्छी हैं, इतना अच्छा उनका कलर है, बहुत ही जूसी, और जो क्रम्बल का क्रंची बन थोड़ा सा आ रहा है ना, क्रम्बल क्रंची लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती कि मैं ब्लूबेरी मफिन्स खाऊं और बिना क्रम्बल के, क्रम्बल के बिना कोई मजा नहीं है। बहुत अच्छे बने, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, फेस्टिवल सीजन है, क्रिसमस आ रहा है, फटाफट से बनाएं, वेट क्यों कर रहे हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगे प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर 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 कीजिएगा। मिलूंगी फटाफट से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।